मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। लहरपुर नगर पालिका कई बसों से तैनात चेई 50,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने चेई की गिरफ्तारी के लहरपुर कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध विशेष टीम द्वारा केस दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका लहरपुर में चेई के पद पर आफताब अहमद कई वर्ष से तैयार हैं। शिकायतकर्ता ठेकेदार आफताब की माने तो काम कराने के एवज में उससे रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि चेई द्वारा रिश्वतखोरी के अलग अलग हथकंडे अपनाए जाने लगे तो उसने शिकायत लखनऊ की एंटी करप्शन टीम से कराई। रिश्वत के मामले की जांच कराने के लिए बनी एंटी करप्शन टीम बुधवार को दोपहर लहरपुर कस्बा पहुंची, जहां पर 50,000 की रिश्वत लेते नगर पालिका लहरपुर में तैनात चेई आफताब अहमद को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। चेई की गिरफ्तारी के बाद समूचे महकमे में सनसनी मच गई है। बाद में आरोपी को लहरपुर कोतवाली ले जाया गया, जहाँ एंटी करप्शन टीम की ओर से कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूछताछ का क्रम कोतवाली में भी चलता रहा। बताया जाता है चेई की लगातार 8 वर्षों से इसी नगर पालिका में तैनाती रही। जी सच्चा जानते इनके साथ हमने शिकायतकर्ता को साथ में लेके जैसा निर्देश होता है अपना उसी प्रकार गया। बताए अनुसार हम इनके निवास पे पहुंचे। आज बाहर हम लोग खड़े सुन रहे थे, वो तो अंदर गया, बात किया, जो रिश्वत के रुपए थे उसने दिया। केमिकल थे क्या? हाँ, वो तो हमारे यहाँ एक फिनाफ्थलीन पाउडर होता है, उसका लेप हम लोग करते हैं, उसी से तो जज होता है कि भाई जब उसको हम सोडियम कार्बोनेट से धुलते हैं, धुलवाते हैं हाथ, तो गुलाबी रंग का होता है, तभी तो पता चलता है कि भाई यही रुपए जो हमने तैयार किए वो मिले हैं। पहले हम लोग फर्द प्रदर्शन एक तैयार करते हैं, फिर इसके बाद एक नमूना उसका बनाते हैं, डेमो। इसमें कोई मुकदमा लिखा? हाँ, ये थाना किसकी तरफ क्या क्राइम जो नंबर है, क्या अपराध संख्या 14/2019 धारा 7। कौन सी धारा लगाई आपने? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। स्पेशल कोर्ट में चलते हैं, लखनऊ में चलेगा, लखनऊ ले जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। और ये हमारे डॉक्टर अखिलेश चौरसिया साहब के निगम, हाँ डॉक्टर अखिलेश कुमार निगम सर के कुशल नेतृत्व पे जो है, मतलब उनके निर्देशन पे हम लोग का। अब इसके बाद आप यहाँ मुकदमा लिखवा देंगे। वादी कौन? वादी तो अब हम ही लोग बनेंगे, प्रभारी निश्चय सत्यदेव सिंह, हाँ उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ। ये फिर इसके बाद जेल? हाँ, फिर हम लोग जो है इनको कल पेश कर देंगे माननीय न्यायालय के समक्ष लखनऊ में। अब यहाँ तो कोई कोर्ट होती नहीं, इसके लिए स्पेशल कोर्टें होती हैं, तो चलो वहीं ले जाया जाए। कैमरामैन नसीम खान के साथ असलम अंसारी की ब्यूरो रिपोर्ट।